अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों, एक भाई ने मुझसे सवाल किया था व्हाट्सएप पे मेरे कि वीज़ा स्टंपिंग और इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो कुछ कमेंटों का जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में ही दे देते हैं, उसमें नहीं टाइम मिला तो क्या हुआ। तो जैसा कि मेरे पास जो पहला कमेंट आया है देख सकते हैं, कोई आया है यस ए लंग को टाइप्स के कोई कमेंट आया, कोई चैनल इनका बोलते हैं भाई वीज़ा स्टंपिंग होने के बाद मेडिकल वैलिड होता है क्या? भाई जब आपका वीज़ा स्टंपिंग हो गया तो आपके मेडिकल का काम ख़त्म हो गया, चाहे मेडिकल वैलिड हो या इनवैलिड हो, या फिर आपका मेडिकल जो है एक्सपायर हो जाए या ना हो जाए। लेकिन सवाल ये बनता है, बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल रहता है कि एक बार मोफा हो गया फिर वीज़ा स्टंपिंग हो गया तो फिर मेडिकल कभी एक्सपायर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल का डेट जो है 2 महीना का ही होता है, 2 महीने में ही आपका वीज़ा स्टंपिंग करवाना पड़ता है। अगर आपका वीज़ा स्टंपिंग 1 महीने के बाद हुआ तो 1 महीने के बाद आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। मेडिकल का जो भी वैल्यू होती है बस वीज़ा स्टंपिंग तक ही होती है। उसके बाद से दूसरा जब कमेंट आया मेरे पास, यह जयनाथ महतो का, बोलते हैं सर मेरा लॉकडाउन में छुट्टी आया तो दूसरा कंपनी में जा सकता हूँ। भाई अगर आप लॉकडाउन में छुट्टी आया ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें क्या कितने दिन के छुट्टी पर आए थे, आप कितने दिन की छुट्टी ख़त्म होगी कि ये चीज़ नहीं बताया। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जिस दिन आपका छुट्टी ख़त्म हुआ, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, जिस दिन आपका छुट्टी ख़त्म होने के 3 साल के बाद आप सऊदी अरब दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये है एक दुबे नाम से कमेंट आया, बोलते हैं सर आपका फ़ोन नंबर दीजिएगा। भाई मैंने हर वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है मेन सऊदी न्यूज़ हिंदी वाले, वही मेरा नंबर है, सब कोई को मालूम हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगला कमेंट मैं ले रहा हूँ ये है, ये तो कलना का वाले से आया तो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। एक मैंने बताया था कि सऊदी में फंस जा रहा आदमी क्या करे, कैसे इंडिया वापस जाए, तो ये आए हैं कि एम्बेसी बोल रहे हैं हसीब कुरैशी बोल रहे हैं एम्बेसी चला जाए या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी। भाई ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ऑनलाइन फॉर्म भरने में एम्बेसी वाले थोड़ा जल्दी कार्रवाई करते हैं और अच्छे से कार्रवाई करते हैं। यह है कि मोहम्मद इजाज मलिक का कमेंट आया है, बोलते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रीशियन फोरमैन का भी स्किल टेस्ट होगा, प्लीज़ बताएं। भाई इसके लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो बनाए, किनका स्किल टेस्ट होगा किनका नहीं होगा सब पता चल जाएगा। मोहम्मद कसीम की तरफ से कमेंट आया है, ये बोलते हैं सर ये PVT टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या टेस्ट किया जाता है? PVT भाई मुझे भी कुछ पता नहीं है, PVT आप क्या बोल रहे हैं सही से बताइए। ठीक है भाई। एक है दिलशाद अंसारी का, बोलते वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू भाई। एक है इमरान ताहिर का, ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, मैं सऊदी जद्दा जेल से आया था वाइट पासपोर्ट से, मेरा इकामा नहीं बना था, क्या मैं फिर आ सकता हूँ प्लीज़? भाई आप वाइट पासपोर्ट से आए थे, आपका इकामा भी नहीं बना था, अभी तो इस समय जो भी आ रहे हैं इस तरह से तो उनको वो लोग नहीं जा पा रहे हैं सऊदी अरब, तो एक बार इसमें बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं तो एक बार आप चेक करवा लीजिए कि हाँ आप क्या आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि अभी चेक हो जाता है, अगर आप चेक नहीं करवा पाते तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपका चेक करके बता देंगे। लेकिन भाई इसका चार्ज लगता है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। अब आता है टॉपिक के ऊपर कि वीज़ा स्टंपिंग और इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है। तो वीज़ा स्टंपिंग का टाइमिंग तो आप लोगों को पता ही, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत से वीडियो में बताया हुआ है कि आपका मेडिकल जब फिट हो जाता है तो मेडिकल फिट होने के बाद आपका मोफा अपडेट होता है, मोफा अपडेट होने के बाद आपका प्रोसेस होता है वीज़ा स्टंपिंग का। तो इस प्रोसेस में आपका वीज़ा स्टंपिंग ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में आपका वीज़ा स्टंपिंग हो जाना चाहिए, 7 से 10 दिन मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन ही या 2 दिन ही मिलती है किसी कंसल्टेंट को, तो जिस दिन आपका उनका नंबर रहेगा आपका वीज़ा स्टंप हो जाएगा। तो वीज़ा स्टंपिंग का टाइमिंग यही है 7 से 10 दिन, और इमिग्रेशन का भी टाइमिंग फ़िलहाल के लिए भाई अभी इतना ही जा रहा है, कोई 4 दिन में हो जा रहा है, किसी का 7 दिन में हो जा रहा है, किसी का 10 दिन हो जा रहा, तो उनका भी यही मान के चलिए 10 दिन। तो कुल मिला के मैं मोटा मोटी बताऊँ आपको तो इमिग्रेशन और वीज़ा स्टंपिंग का जो काउंट किया जाए मिला के दोनों का, तो 15 से 20 दिन में
वीज़ा स्टाम्पिंग और इमिग्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा का टाइम लगा रहा है एजेंट या फिर कोई एजेंसी लगा रही है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है। तो फिर उनको बोलिए कि भाई किसी भी तरह से हमारा वीज़ा स्टम्पिंग जल्दी करवाइए ताकि मैं जा सकूं, क्योंकि अगर उसने वीज़ा स्टम्पिंग लेट की तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके पास वीज़ा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो आपके साथ आनाकानी कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो वीडियो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।